आपकी चाबी ऑन हो तभी जाके आप इसको बटन दबाओगे तो आपको फ्यूल इकोनॉमी का सिस्टम देखने को मिल जाता है। कंपनी क्लेम करती है कि गाइस ये वाली जो एरोक्स 155 है ये 0 to 40 जाती है 3.5 सेकंड के अंदर, और वहीं 0 to 100 ये 18.51 सेकंड के अंदर चली जाती है। ब्राइटनेस जो होने वाली है ना वो काफ़ी ज़्यादा आपको ब्राइट देखने को मिलने वाली है, मतलब डे टाइम के अंदर भी काफ़ी अच्छी रिफ्लेक्टेड है। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गौरव सिंह जी एस व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप लोग, होप यू गाइस वी आर एब्सोल्युटली फाइन। सो यार आज टाइटल और थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो कैसे रिगार्डिंग होने वाला है। तो हाँ यार आज बात करने वाले था यामा की एरोक्स 155 मॉन्स्टर एनर्जी एडिशन के बारे में, और हाल ही में लेटेस्ट अपडेट है एरोक्स 155 का, और आज पूरी स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे इसके अंदर कि इसकी पुराना वाला जो वेरिएंट आता था उससे खास आपको इसके अंदर क्या क्या देखने को मिल जाता है, और पूरी स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे क्या टायर साइजेज आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, क्या पावर है, कितने वेरिएंट आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं कलर के, और क्या इसकी एक्सशोरूम और ऑन रोड प्राइजेस होने वाली है 2023 की एंडिंग के अंदर, इसके पूरे कलर वेरियंट की, टायर साइजेस की, पावर परफॉर्मेंस की। तो भाई बताना चाहूँगा इससे पहले अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पे ऑल कर लेना ताकि आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले इसकी साइड प्रोफाइल से बात करते हैं। तो ऐसा कुछ आपको इसके अंदर साइड प्रोफाइल देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा मतलब डिफरेंट एक पीस यहाँ पे बनाया गया है। बात कर लें यहाँ पे आपको मॉन्स्टर एनर्जी का लोगो देखने को मिल जाता है, यहाँ पे भी आपको बड़ा बड़ा मॉन्स्टर एनर्जी का लोगो और यहाँ पे साइन देखने को मिल जाता है कुछ इस प्रकार का। तो सबसे इसकी जो डिफरेंट चीज़ आपको जो देखने मिलती है हाईलाइटेड वो इसका भाई फुट रेस्ट का ये जो ग्राउंड है ना वो देखने को मिलता है थोड़ा डिफरेंट एक। जैसे आप इसके ऊपर बैठोगे ना तो आपको ये एरिया यहाँ पे और एक पैर का एरिया आपको यहाँ देखने को मिलता है, तो ये थोड़ा डिफरेंट है और लुकिंग में भी काफ़ी ज़्यादा बल्की लगता है। तो ये इसकी परफॉर्मेंस को और इसकी क्वालिटी को ज़्यादा निखारता है। फ्रंट में आपको एकदम मस्कुलर लुक, इतना डेविल वाला लुक देखने को मिलता है जो कि कुछ इस प्रकार है। इसके नीचे की बात करेंगे तो भाई यहाँ पे पूरा इसका जो ईगल शेप आइज़ की जो बात हो रही है ना वो आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। फिर भी आपको फ्रंट के अंदर मगार्ड के ऊपर यामा की बैजिंग देखने को मिल जाती है, उसके बाद मॉन्स्टर एनर्जी का लोगो देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं थोड़ी इसकी स्पेक्स के बारे में कि क्या क्या फीचर्स आपको इसमें देखने को मिल रहे हैं। तो सर इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात है, इसके अंदर आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। सबसे अच्छी बात है यहाँ पर आपको यामा का मोटरसाइकिल कनेक्ट देखने को मिल जाता है, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को मिल रहा है भाई। 155 सीसी के अंदर सिंगल अभी स्कूटर है जो कि ट्रैक्शन कंट्रोल आपको प्रोवाइड कर रहा है भाई। यहाँ पे आपको बड़ा बड़ा साइन भी देखने को मिल जाएगा ट्रैक्शन कंट्रोल का, तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। सिंगल चैनल ABS विद डिस्क ब्रेक के साथ में, और भाई सबसे अच्छी जो हाईलाइटेड चीज़ जिसको आपको लगेगी ना वो इसका टायर साइजेस है। मतलब एक बार लुक एट सी दिस टायर यार भाई, लिटरली मतलब इतना ज़्यादा बड़ा टायर आपको किसी में भी देखने को नहीं मिलता। मोस्टली स्कूटी या स्कूटर होता है, मान लिया इसका 155 सीसी का इंजन है बट भाई टायर एक नंबर इसका देखने को मिल रहा है, और जिससे कि अब इसकी रोड जो ग्रिपिंग होगी वो काफ़ी बढ़िया होने वाली है। इसकी RPM की सुई आपको डबल साइडेड देखने को मिलती है, ये देखिए। अब जैसे गाड़ी स्टार्ट हो गई है तो इस स्कूटर का जैसे आप रेविंग करोगे ना, तो ऐसे अगर आप रेव करोगे तो इसके अंदर आपको कुछ ऐसा सिस्टम देखने को मिल जाता है, और ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को मिल जाता है, इसका यहाँ लोगो देखने को मिल जाता है, और अगर ट्रैक्शन कंट्रोल ऑल होगा तो इसका लोगो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा यहाँ इस साइड पे। बात करें तो इसके अंदर आपको टाइमिंग शो हो जाएगा, और बेसिकली यहाँ पे आपको अपनी टॉप स्पीड शो होगी कि आपकी गाड़ी किस स्पीड में चल रही है, आपको फ्यूल इकोनॉमी शो हो जाएगी जो कि सबसे पहले लो है। और बात करें इसके फीचर्स की तो आप इसको कहाँ से चेंज कर पाओगे, मेन्यू क्रिएट होता है, मेन्यू को आप यहाँ से ये जो बटन देख रहे हैं इससे आप टैकल कर सकते हो। यहाँ इको मोड देखने को मिल जाता है, दूसरा आपको एवरेज शो हो जाएगा, ये आपको यहाँ पे एवरेज दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको एवरेज शो हो जाएगा, और यहाँ पे आपको बैटरी की वोल्टेज देखने को मिल जाएगी 12.5 की आपको बैटरी वोल्टेज दिखा रहा है। यहाँ पे आप शो होता है ट्रिप ए और वी बेल्ट आपको यहाँ शो हो जाएगी, यहाँ पर ट्रिप ए और ट्रिप टू, और ये ओडोमीटर आपको देखने को मिल जाता है। अभी जो गाड़ी चली है टोटल किलोमीटर आपको जो यहाँ देखने को मिलता है वो ये है 0 किलोमीटर अभी इसका गाड़ी का रन है। सब कुछ आपको फीचर देखने को मिलता है, और ये सारे फीचर्स आप अपने स्मार्टफोन से ब्लूटूथ कनेक्ट करके यामा के ऐप से जाके ही कनेक्ट कर पा सकते हैं। यहाँ पे बेसिक्स पे आएंगे तो यहाँ आपको लो बीम हाई बीम देखने को मिल जाता है, ये आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर आपको हॉर्न का बटन देखने को मिल जाता है। इस साइड पर आएंगे तो यहाँ आपको ऑटो पावर कट ऑफ देखने को मिल रहा है जो कि अब बेसिक सारी
गाड़ियों में आपको देखने को मिलता है। इग्निशन ऑन ऑफ वाला सिस्टम हटा दिया है, तो पावर कट ऑफ और ऑन ऑफ वाला सिस्टम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जैसे ही आप इसको ऑन पे रखेंगे और आपकी गाड़ी 30 सेकंड से ज़्यादा अगर ऑन स्टार्ट रह जाती है तो ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी, और थोड़ा सा आप रेव करेंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये 1000 लाइट का सिस्टम देखने को मिल जाता है। दोनों साइड आपके इंडिकेटर्स ऐसे चलेंगे, एक बार ब्राइटनेस चेक कर लो। जो इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं वो बल्ब वाले देखने को मिल जाते हैं, और बिल्कुल एकदम नीचे देखने को मिलता है। आई डोंट नो इसके अंदर नीचे वाला सिस्टम क्यों दिया है, तो ये नीचे आपको इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं इस साइड के सेक्शन पे। तो आपको जो की देखने को मिलती है यामा एरोक्स की, वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड देखने को मिल जाती है, इतनी बड़ी चाबी भाई। और यहाँ लोगो देखने को मिल जाता है यामा का, तो ऐसी आपको कुछ चाबी देखने को मिलने वाली है। और ये इसका लॉक सिस्टम है जो एक्टिवा वगैरह में आता था, तो बेसिकली आप इसको यहाँ से ऐसे करके लॉक भी कर सकते हैं। और दो बटन यहाँ पे आपको दिए हुए हैं अलग से, इसको टेढ़ा मेढ़ा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ फ्यूल इकोनॉमी और सीट का आपको दोनों को देखने को मिल जाता है। बट सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको तभी ये यूज़ कर सकते हो जब आपकी चाबी ऑन होगी, मतलब समझ रहे हो आप, आपकी चाबी ऑन होगी तभी जाके आप इसको बटन दबाओगे तो आपको फ्यूल इकोनॉमी का सिस्टम देखने को मिल जाता है कुछ इस प्रकार का। तो ये आपको यहाँ पे फ्यूल का देखने को मिल जाता है एकदम सेंटर के अंदर बीच में। फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में, तो इसके अंदर आपको 5.5 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाता है। बात कर लें इसके सीट कैपेसिटी के बारे में, तो इसके अंदर आपको 24.5 लीटर का सीट अंडर सीट कैपेसिटी देखने को मिल जाता है। और ये इसका जो वाईफाई मोटरसाइकिल कनेक्टिंग का जो सिस्टम है वो ये आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। ब्लूटूथ को 24.5 लीटर का कैपेसिटी देखने को मिल जाता है, मतलब एक बड़ा हेलमेट इसमें आसानी से आ जाएगा, और मेरे हिसाब से शायद एक ही आ पाएगा, इतना ही स्पेस है 24.5 लीटर का। इसके अंदर आपको सबसे अच्छी चीज़ है, एक तो सीएट का टायर देखने को मिल रहा है। सीएट काफ़ी अच्छा एक ब्रांड है, तो उसका टायर आपको इसके अंदर देखने को मिल रहा है। फ्रंट टायर के सेक्शन की बात कर लें तो इसके अंदर आपको 110/80/14 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है विद अलॉय व्हील्स के साथ में। और सबसे अच्छी चीज़ है इसमें डिस्क ब्रेक के साथ में आपको सिंगल चैनल ABS भी देखने को मिल रहा है। तो ये काफ़ी एडवांटेज वाली बात है कि 155 cc के स्कूटर में आपको भाई सिंगल चैनल ABS तो कम से कम मिल ही गया। और बात कर ले इसके रेयर टायर के बारे में, तो भाई रेयर टायर 140/70/14 सेक्शन का टायर देखने को मिल रहा है भाई। इसमें आपको जो रेयर में ब्रेक देखने को मिल रहा है वो ड्रम ब्रेक देखने को मिल रहा है। और फ्रंट के अंदर ही बात करें इसके सस्पेंशन के बारे में, तो इसके अंदर डिस्कोपिक फॉक्स 26mm का सस्पेंशन देखने को मिलता है, जो कि इस प्रकार का आपको देखने को मिल रहा है। और रेयर सस्पेंशन की बात करोगे तो रेयर में आपको यूनिट स्विंग्स के सस्पेंशन देखने को मिल रहे हैं ड्यूअल साइड में, जो कि एक साइड आपको यहाँ देखने को मिलती है और एक साइड यहाँ। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर भी लगा दिया गया है। और इसके फ्रंट ब्रेक के डायमीटर की बात कर ले तो इसके अंदर आपको जो फ्रंट ब्रेक का डायमीटर है 230mm देखने को मिल जाता है, और वहीं जो रियर ब्रेक का डायमीटर है 130mm का देखने को मिल जाता है। कंपनी क्लेम करती है कि गाइस ये वाली जो एरोक्स 155 है ये 0-40 जाती है 3.5 सेकंड के अंदर, और वहीं 0-100 ये 18.51 सेकंड के अंदर चली जाती है। तो इसके ब्राइटनेस के बारे में, तो इसके अंदर मैंने हाई बीम भी जला दिया है, तो फ्रंट से इसकी जो ब्राइटनेस लेवल आपको देखने को मिल रहा है वो कुछ इस प्रकार का है। डे टाइम रनिंग DRLs आपको कुछ इस शेप में देखने को मिल जाता है LED के अंदर, और बिल्कुल LED हेडलैम्प्स आपको जो कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं ईगल शेप के अंदर। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना इसकी ब्राइटनेस और फ्रंट की जो लुकिंग आ रही है ना DRLs प्लस LED हेडलैम्प्स की और विद इंडिकेटर्स की, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपकी आपको कैसी लग रही है। मेरा पर्सनल ओपिनियन बताऊँ तो एक डेविल वाला लुक आपको ये प्रोवाइड कर रही है भाई। ब्राइटनेस जो होने वाली है ना वो काफ़ी ज़्यादा आपको ब्राइट देखने को मिलने वाली है, मतलब डे टाइम के अंदर भी काफ़ी अच्छी रिफ्लेक्टेड है। तो इसका जो नाइट का विज़न होने वाला है वो काफ़ी बढ़िया होना है। मुझे कमेंट सेक्शन बताना जिन लोगों को इसका नाइट वर्जन चेक करना है लाइटिंग का। तो बात कर लेते हैं पीछे के प्रोफाइल के बारे में, तो इसके अंदर आपको जो टेल लाइट देखने को मिलती है वो कुछ इस प्रकार की है, LED की शेप में ही है। इंडिकेटर्स की बात करें तो इंडिकेटर्स की जो क्वालिटी है वो ऑलमोस्ट 60-70% ठीक है, और यहाँ पे आपको ब्लब वाले इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। और बैक मरगार्ड की बात करोगे तो भाई एक बहुत बड़ा मतलब मरगार्ड यहाँ पे दिया हुआ है। इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करोगे तो काफ़ी एक अच्छा इसके अंदर यामा ने बिल्ड क्वालिटी पे वर्क किया है। सबसे मेन हाइलाइटेड जो चीज़ आपको लगेगी इसके अंदर वो ये लगेगी कि इतना बड़ा सेक्शन ही किस चीज़ का है, मतलब मैं खुद पहली बार शॉक्ड हो गया था कि ये एक्चुअल है किसका। मुझे लगा इंजन इसके अंदर साइड में दे रखा, बट इसके अंदर आप मानोगे एयर फिल्टर का वर्क है। तो इसके अंदर आपको एयर फिल्टर मिलता है, इतने बड़े सेक्शन के अंदर आपको एयर फिल्टर देखने को मिलता है। साइड में फुटरेस्ट की बात करेंगे तो इसके अंदर जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा सही मेरे को लग रही है। और बाकी यार पैर वाला जो सेक्शन है, मुझे कमेंट सेक्शन में एक चीज़ बताना कि आपके लिए ये पैर वाला सेक्शन इनफ रहता है क्या इतना सा, क्योंकि इसमें बीच में आप रख नहीं पाओगे,
और यहाँ पे आपको मॉन्स्टर एनर्जी की बैजिंग देखने को मिल जाती है। इतना सा सेक्शन आपके लिए इनफ रहेगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि एक साइड आपका यहाँ आने वाला, एक साइड आपको यहाँ देखने को मिलने वाला। भी एक और नीचे सेक्शन की बात करोगे तो इसके अंदर आपको ये प्रेस करना पड़ेगा और ये धीरे से खुल जाता है, खुल जा सिम सिम। तो इसके अंदर आपको अंदर की साइड में चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाता है, मतलब अलग से आपको ये खरीदना पड़ेगा। इसको लगाने के बाद अपना फ़ोन वगैरह कैमरा वगैरह आप आसानी से चार्ज कर पाओगे और ये सेक्शन आपका ऐसा प्रेस हो सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके पूरे ऑल ओवर स्पेक्स के बारे में। तो इसके अंदर आपको जो सैटेलाइट देखने को मिलती है 790 mm की देखने को मिल रही है, और वहीं अगर इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर ले तो ग्राउंड क्लियरेंस सिर्फ आपको इसके अंदर 145 mm देखने को मिल रहा है, मतलब थोड़ा कम है बट ठीक है। इसके टायर आपको ज़्यादा ब्रॉड देखने को मिल जाते हैं तो काफ़ी सही है। कर ले इसके फ्रंट और रियर के व्हील बेस के बारे में। तो इसका जो व्हील बेस निकल के आता है 1350 mm का आपको इसके अंदर व्हील बेस देखने को मिल जाता है। अंदर जो आपको वेट देखने को मिल जाती है 700 mm का आपको इसके अंदर वेट देखने को मिल जाता है, और उसी के साथ में जो इसकी ऑल ओवर गाड़ी की जो लेंथ है 1980 mm की देखने को मिल जाती है। और हाइट की बात करेंगे तो हाइट काफ़ी ज़्यादा कम यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, 1150 mm की आपको इसकी हाइट देखने को मिल रही है। तो ऑलमोस्ट जिनकी हाइट 5.3-5.2 भी है वो भी इस स्कूटर को आराम से राइड कर पाएंगे कंफर्टेबली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी पावर की बात करें काफ़ी रॉ पावर इसके अंदर बताई जाती है। इसका जो एग्जॉस्ट साइलेंसर है भाई एक डिफरेंट इसको पैटर्न में इनबिल्ट किया गया। इसके ऊपर के जो कवर की बात करोगे तो ये आपको हार्डली प्लास्टिक के अंदर देखने को मिल जाता है। अंदर आपको 155 cc का लिक्विड कूल 4-स्ट्रोक SOHC4 वाल्व के साथ में इंजन देखने को मिल जाता है। और वहीं इसके मैक्स पावर की बात कर लेंगे तो इसके अंदर 15 PS की पावर जनरेट होती है 8000 RPM के ऊपर। और वहीं बात कर ले इसके मैक्स टॉर्क के बारे में तो इसके अंदर आपको 13.9 Nm का टॉर्क देती है ये गाड़ी 6500 RPM के ऊपर। और बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में तो इसके अंदर आपको कितने कलर वेरिएंट देखने को मिल जाता है, क्या प्राइसिंग इसके ऑन रोड जयपुर एक्स शोरूम और ऑन रोड क्या प्राइसेस रहने वाली है। तो 5 कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। पहला कलर है रेसिंग ब्लू कलर है, ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है। और बात कर लेते हैं दूसरे कलर वेरिएंट की तो आपको जो दूसरा कलर वेरिएंट देखने को मिलता है वो ग्रे कलर में देखने को मिल जाता है। और तीसरा कलर आपको उसके अंदर वर्मिलियन मेटालिक ब्लैक देखने को मिलता है। और चौथा जो कलर है वो मोटो जीपी एडिशन देखने को मिल जाता है, मोटो जीपी एडिशन ठीक है। और पांचवा जो कलर है वो सिल्वर कलर में देखने को मिल जाता है। अभी जो इसकी बात करेंगे तो ये जो कलर वेरिएंट है ये मोटो जीप एडिशन आपको देखने को मिल जाता है कुछ इस प्रकार का। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये कलर वेरिएंट कैसा लगा। सीट क्वालिटी की आप बात करोगे तो यहाँ पे आपको जो राइडर की सीट देखने को मिलती है काफ़ी ज़्यादा बड़ी देखने को मिल जाती है, वहीं पिलियन सीट आपको थोड़ा सा हार्ड मटेरियल मेरे को यहाँ फील हो रहा है, मतलब लॉन्ग टूरिंग के अंदर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। और प्लस पिलियन राइडर को पकड़ने के लिए ये जो स्पेक्स दे रखा है ना वो इस साइड आपको दे रखा है। और राइट गाइस, तो बात कर लेते हैं अब इसके ऑन रोड प्राइसेस के बारे में। तो ये राजस्थान जयपुर के अंदर आपको 1,83,000 की देखने को मिलने वाली है ऑन रोड। और जिन लोगों को भी बाइक करनी है, टेस्ट राइड लेनी है, शोरूम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आके चेकआउट कर लेना, टेस्ट राइड ले लेना। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो यही था इस वीडियो में, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी नए ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए टेल द टाइम, बाय, राइड सेफ।